नमस्कार, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। मैं हूँ रौनक। KGF 3 का ट्रेलर कल आखिरकार रिलीज हो ही गया। क्या बात कर रहे हैं? अब जितने लोग ये सोचकर हैरान है कि भाई अभी तक तो यश भाई ने अपनी जुल्फे नहीं लहराई, दाढ़ी की लंबाई नहीं दिखाई और कोई न्यूज भी नहीं आई, और छोड़ो इस वाले भाई ने ये रैमी अवार्ड विनिंग गाना भी नहीं गाया। KGF 3 का ट्रेलर कहाँ से आया? तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये ट्रेलर KGF की डिस्कवरी से पहले की कहानी बताता है। थंगलान नाम की ये फिल्म चियान विक्रम के करियर की सबसे चैलेंजिंग फिल्म्स में से एक है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सोशल मीडिया ज्ञानियों की माने तो ये उस जमाने की कहानी है जो KGF के गोल्ड माइन डिस्कवरी से पहले का टाइम था। पी रंजीत की डायरेक्टेड ये फिल्म उसी टाइम पर हुए इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। इसके पूरे ट्रेलर को जितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है वो इसकी क्वालिटी को दिखाता है। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने 2016 की रजनीकांत की फिल्म कबाली बनाई थी। पूरे ट्रेलर में ये बताया गया है कि एक कबीला है जिसकी टेरिटरी में एक अंग्रेज आया है। अब गोरा आया है तो लूटने ही आया होगा, देने के नाम पर उन्होंने हमारे को सिर्फ पार्टीशन दिया है, बंटवारा। तो ऐसे में वो यहाँ की मिट्टी में वो गोल्ड माइन खोजने आया है जिसके लिए अपने रॉकी भाई ने छाती पर गोली खाई थी। इसमें ट्विस्ट ये है कि एक काले जादू का भी एंगल डाला गया है जहाँ एक महिला उसकी सहायता से उस पूरे इलाके में लोगों को आने से रोक रही है। इसी के बीच वॉयलेंस और बढ़िया सिनेमेटोग्राफी के साथ कलर्स का बढ़िया यूज दिखाया गया है। लेकिन ये KGF से भी बड़ी कहानी है क्योंकि इसमें वो सोशल एलिमेंट्स भी डाला गया है जो KGF में मिसिंग था। KGF जहाँ एक प्रॉपर एक्शन एंटरटेनर थी, वहीं स्टोरी में लेयर्स ज़्यादा है। कहते हैं कि कोलार गोल्ड माइंस की डिस्कवरी से पहले वहाँ एक ऐसा कबीला रहता था जिसे अछूत माना जाता था। इस ट्रेलर के एक डायलॉग में हम चियान विक्रम को बोलते हुए सुनते हैं कि ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जमीन पर वो गोल्ड माइन मिली थी वहाँ इस कबीले का राज था। अछूत होने की वजह से कोई वहाँ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन गोरे बाबू साहब लोगों के लिए तो भैया सोना उनके पिताजी से भी ज़्यादा कीमती हुआ करती थी। तो वो अपने एक अफसर को वहाँ से गोल्ड माइन ढूंढ के निकालने के लिए भेजते हैं जिसमें उनकी हेल्प विक्रम भाई कर रहे हैं। अब उस गोल्ड माइंस की खोज के बीच विक्रम भाई अपने कबीले को मना रहे हैं कि वो गोल्ड माइन ढूंढकर अंग्रेजों को दे ताकि बदले में वो उनको भी कुछ दे। कहा जाता है कि अंग्रेजों के टाइम पर ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस में से एक थी और अंग्रेज इस माइन से 900 टन सोना अपने बाप का माल समझकर इंग्लैंड ले गए थे। ज्यादा बोलूंगा नहीं वरना विवाद हो जाएगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन इसी माइन को देखकर कई अंग्रेजों ने माना था कि भारत सोने की चिड़िया है, बाज होते तो कसम से भाई साहब तुम्हारी खोपड़ी खोल देते। बात तो सही है। खैर, पूरा ट्रेलर एक बढ़िया पैकेज है। परफॉर्मेंस में तो फिल्म एक नंबर होने वाली है, लेकिन इस ट्रेलर की तीन सबसे बढ़िया बातें मुझे अच्छी लगी। सबसे पहली बात, इसका प्लॉट जो काफी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से अपने ही लोगों के अगेंस्ट जाकर चियान विक्रम अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं और वो ब्लैक मैजिक की कार्ड कैसे निकालते हैं देखने वाला होगा भैया। वहीं इसकी कास्टिंग भी बढ़िया है। चियान विक्रम के साथ मालविका मोहनन भी दिखेंगी जो कि एक जबरदस्त एक्ट्रेस है। वहीं इसके मेकअप आर्टिस्ट को एक सैल्यूट जिन्होंने विक्रम को ऐसा लुक दिया। बाकी नेगेटिव्स में तो यार ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। रॉकी भाई का एक फ्रेम डाल देते तो आंखों को थोड़ा विटामिन मिल जाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। एक CGI जानवर भी इसमें है जो अपनी औकात के अनुसार ही ट्रेलर में डाला गया है। वहां ऐसा कहा गया है कि CGI क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन मजाक से हटकर बताऊं तो ये फिल्म बाकी एक्शन एंटरटेनर्स की तरह नहीं मामला लगता है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। कल मिलते हैं। जय हिंद।